हेलो ऑल दोस्तों, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है और आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, ये क्वेरी होगी कि सर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने सेफ रहेंगे ताकि हम अपनी सिलेक्शन इंश्योर कर पाए इन दी रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई कितने क्वेश्चंस करने सेफ रहेंगे आप लोगों के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एनालिसिस। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि भाई सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं हमारे इस बार के एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम में। दोस्तों, जब भी हम सेफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है मैच करता है विद द सेम क्वेश्चन जो आप एग्जाम होने के तुरंत बाद पूछेंगे कि सर कितनी कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड है कि इस पेपर में जाएगी। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पर कट ऑफ बतानी थोड़ी आसान होती है क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं पेपर होता है, हम उसको देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये कट ऑफ जा सकती है। बट पहले से ये गेस करना कि भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पेपर में आओ, वो बताना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, उनके बेसिस पर ही आपको सेफ अटेम्प्ट्स अपने डिसाइड करने हैं। दोस्तों, सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पर हम बोलते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सेफ रहेंगे, वो होता है पास्ट ईयर पेपर की कट ऑफ, कि पिछले सालों में कितनी कट ऑफ गई है आपके एग्जाम्स की। तो हमारे पास तीन पेपर हैं लेटेस्ट, 2015 का एपीएफसी एग्जामिनेशन है, 2017 का ईओएओ एग्जामिनेशन और 2021 का ईओएओ एग्जामिनेशन है। तो हम उनकी कट ऑफ देखेंगे और उनसे एक अंदाजा लगाएंगे कि भाई इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए उस कट ऑफ को इजीली पार करने के लिए। सेकंड जो बेसिस होता है जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि भाई कितनी सेफ स्कोर आपकी होनी चाहिए, कितना सेफ अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, वो है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। दोस्तों, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अटेम्प्ट्स अपने डाउन करने पड़ते हैं, और अगर आप लोगों का पेपर इजी है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फैलना पड़ता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं। तीसरा जो पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ सीट्स एंड एस्पिरेंट। देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि ईओ एग्जाम में हमारे पास 418 वैकेंसीज हैं और एपीएफसी एग्जाम के लिए हमारे पास 159 वैकेंसीज हैं, क्योंकि एपीएफसी में कंपटीशन कहीं ज्यादा है और वैकेंसी का नंबर भी कम है। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमें कट ऑफ थोड़ी सी हायर देखने को मिलेगी, तो हमारा सेफ स्कोर भी थोड़ा हायर होना चाहिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो आप लोगों की है। दोस्तों, आप एक ब्लाइंड गेस नहीं सोच सकते कि भाई मुझे 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जब आप एग्जाम का लगभग 30% सिलेबस छोड़ के जा रहे हैं तो 70% में आप 105 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन लेवल पर डिसाइड डिपेंड करेगा कि आपके सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं। अल्टीमेटली गेम क्या है, अल्टीमेटली गेम यह है कि भाई आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से और पेपर के लेवल के हिसाब से फैलना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और वहां पर आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैंने आपको बताया वो है कि पास्ट ईयर पेपर में क्या कट ऑफ गई है। दोस्तों, ये है एपीएफसी 2015-16 का पेपर। यहां पर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी रिक्रूटमेंट टेस्ट में 6.5, मतलब आउट ऑफ 100 नंबर, क्योंकि उस टाइम पर आरटी पेपर जो था वो 100 मार्क्स का था, तो कट ऑफ जो गई वो 66.5 गई। एंड दोस्तों, दिस इज अ वेरी हाई कट ऑफ। अगर मैं बात करूं यूपीएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन की, तो 66.5 कट ऑफ इज द वेरी हाई कट ऑफ अगर मैं यूपीएससी के स्टैंडर्ड से देखूं। तो यहां पर अगर इसको मैं 300 में ट्रांसलेट करूं, 300 मार्क्स में ट्रांसलेट करूं, तो दिस कट ऑफ इज टर्न आउट टू बी 200 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो बहुत हाई कट ऑफ है। उसके बाद अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल में आपकी 268.37 कट ऑफ गई है फाइनल सिलेक्शन के लिए। मतलब इतने नंबर लेने के बाद भी आपको इंटरव्यू में 68.37 नंबर लेने पड़ेंगे अपना फाइनल लिस्ट में नाम इंक्लूड करने के लिए। और दोस्तों, यूपीएससी पैनल का इंटरव्यू है तो इतने मार्क्स कभी भी जो है लाने आसान नहीं होते, आपको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं 65 प्लस स्कोर करने के लिए। तो यहां पर अगेन आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हो रही है, ये आपको 2015 का एपीएफसी पेपर बता रहा है। सिमिलरली अगर मैं 2021 का ईओएओ पेपर देखूं तो यहां पर ही हमारे पास लेटेस्ट एग्जांपल है और 187.39, मतलब आउट ऑफ 300 187 कट ऑफ गई है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं फाइनल कट ऑफ देखूं तो फाइनल कट ऑफ वाज 259। तो आप लोगों को अराउंड 72 नंबर स्कोर करने हैं इन द इंटरव्यू आफ्टर गेटिंग द कट ऑफ क्लियर। तो जस्ट जो कट ऑफ क्लियर कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है अगेन। तो यहां पर आपको एक आइडिया लग रहा है कि भाई कितने नंबर पेपर में आ रहे चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं 2017 का एपीएफसी ईओए पेपर देखूं तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। यहां पर 100 में से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 49.50 एंड पेपर वॉज बिट डिफिकल्ट। ये पेपर थोड़ा सा आसान था। ठीक है, और जो 21-17 का पेपर था वो थोड़ा टफ था, एपीएफसी पेपर भी थोड़ा टफ था। तो यहां पर कट ऑफ का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया दे रहा है कि मेरा सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो सो पेपर में कट ऑफ वेरी करी है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहां पर कट ऑफ यूपीएससी के स्टैंडर्ड से काफी हाई जाती है। देखिए, जो पेपर रेगुलर होता है ना तो वहां पर तो बताना आसान होता है कि भाई इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कराओ। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स में कितना सेफ स्कोर है, तो मैं कहूंगा कि अगर आपके 105 नंबर के आसपास बन रहे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो ही रहा है, लिखवा के ले लो।
लेकिन अगर आपके जो है 90 से कम बन रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिलेक्शन है वो यूपीएससी के डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड है, कट ऑफ जो वेरी करेगी उसके हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी, बट 105 नंबर पे आपका सिलेक्शन रुक ही नहीं रहा। बट यहां पर क्योंकि हमारे पास रेगुलर एग्जाम नहीं है, इसलिए एक नंबर प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पास्ट ईयर कट ऑफ डिफिकल्टी लेवल की और नंबर ऑफ सीट्स एंड एप्लीकेंट्स की, लेवल ऑफ प्रिपरेशन की, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग एपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो जो कि इवनिंग शिफ्ट में है, जो कि 2 से 4 बजे है, वहां पर आप लोगों को 95 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोगों का जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो एवरेज से लेकर हाई लेवल है, मतलब अगर आप लोगों ने काफी अच्छी प्रिपरेशन करी है, आप लोगों को लगता है कि भाई मैंने एक बार पूरा कंपोनेंट का जो सिलेबस है सभी कंपोनेंट्स का वो कवर कर लिया है और मैंने रिवाइज भी किया है और मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी है, मैंने टेस्ट भी अटेम्प्ट किए हैं, तो आप लोगों के जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो 95 के आसपास होने चाहिए, उससे ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है, कम नहीं होने चाहिए। और अगर मैं ईयू एग्जामिनेशन की बात करूं जो कि कंपेरेटिवली हमें इजी देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द एपीएफसी एग्जामिनेशन, एपीएफसी एग्जाम इन दोनों में टफ होगा दोस्तों, मतलब ये एक बहुत नेचुरल सी बात है क्योंकि आपका लेवल 10 एग्जाम वर्सेस लेवल 8 एग्जाम है, तो यहां पर लेवल 10 एग्जाम टफ होगा, इसके आगे मैं टफ भी लिख देता हूं, और ईयू एग्जाम आपका कहीं ना कहीं ईजी होगा, तो यहां पर जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो आप लोगों को 100 प्लस रखने पड़ेंगे, और लास्ट टाइम भी काफी बच्चों के जो सिलेक्शन हुए हैं उन्होंने 100 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो यू हैव टू ऑल्सो फॉलो द सेम। और आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि दोस्तों एक्यूरेसी लेवल बहुत डिसाइड करेगा आपकी सिलेक्शन को, मतलब यहां पर अगर आप लोगों ने सिलेक्ट होना है तो आपके नेट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपके टोटल पॉजिटिव जो क्वेश्चन हुए हैं माइनस उनमें से जो टोटल नेगेटिव हुए हैं उनका जो नंबर आना चाहिए वो अराउंड 80 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने, मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 90 क्वेश्चन अगर उसने अटेम्प्ट किए तो उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, उसके मार्क्स होने चाहिए अराउंड 225, ठीक है, 90 क्वेश्चन में 225 हो गया, 2.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई उसके मान लो 10 गलत हो गए, मान लो 12 गलत हो गए, 12 गलत का मतलब क्या है कि 2/3 नेगेटिव, ठीक है, तो उसके 8 क्वेश्चन और नेगेटिव हो गए, तो मतलब उसके काफी जो है अब परफॉर्मेंस में काफी इश्यू उसको आना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहां पर उसकी एक्यूरेसी जो है नेट पॉजिटिव जो है 80 से लेस चला गया, मतलब उसके मार्क्स अब 200 से कम होने शुरू हो गए, तो यहां पर उसको दोस्तों बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने नेगेटिव वो ना करे। मार्क्स तो यहां पे 200 से कम नहीं बनेंगे क्योंकि 0.833 है, 200 प्लस ही बनेंगे, बट अगेन स्कोर 80 पॉजिटिव रहना चाहिए आपके। आप ना मैक्सिमम अगर 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो आप इतने नेगेटिव करवा सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नेगेटिव आप नहीं करवा सकते, 15 से ऊपर नेगेटिव आप लोगों के नहीं होने चाहिए। अगर 15 से ऊपर नेगेटिव आप लोगों के हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन फिर कंप्रोमाइज हो रही है। देखिए 90 क्वेश्चन आप करके आए, 12 गलत हो गए, तो आपके नेट पॉजिटिव कितने हो गए, ठीक है, आपके 78 नेट पॉजिटिव हो गए, उसके बाद आपको नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी भी लगेगी, तो कैसे सिलेक्शन हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट है फिर सिलेक्शन होना। तो सेम चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भले ही 120 करके आ जाओ, ठीक है, सेफ है वो भी, क्योंकि मैं 95 प्लस आपको सेफ कह रहा हूं, लेकिन एक्यूरेसी कितनी है, मतलब 120 करने के बाद अगर आपके 60 गलत 60 सही हो रहे हैं तो फिर एक्यूरेसी है ही नहीं। सिमिलरली अगर आप 120 करने के बाद 90 ठीक भी कर रहे हो और 30 भी गलत कर रहे हो तो भी आप आउट ऑफ रेस हो, क्योंकि तब भी आपका स्कोर काफी कम बन रहा है, मतलब 90 अगर आपने सही किया आपके नंबर 225 हो गए, लेकिन आपने 30 गलत कर दिए, ठीक है, 30 गलत मतलब 30 का 2.2/3 × 2.5 अगर आप करोगे, 0.833 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये नंबर काफी जो है आपको खतरनाक लगेगा और आपको लगेगा कि भाई मैं तो सिलेक्शन से आउट ऑफ रेस हो गया, ठीक है, लगभग 50 नंबर आपके कम बन रहे हैं 30 नंबर नेगेटिव पे, तो आपको तो नंबर मतलब फिर बहुत खींचने पड़ेंगे। तो एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दीजिए, मतलब अगर कोई बच्चा 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है तो उसकी एक्यूरेसी मोर देन 85% या 90% होनी चाहिए, तब जाकर ही वो अपनी सिलेक्शन इंश्योर कर पाएगा, इससे कम एक्यूरेसी आप जो है मेंटेन कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों यहां पर सेफ अटेम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग, मैं आपको इसको पूरी चीज को समराइज करके बताता हूं कि 95 क्वेश्चन फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन, लेकिन अगेन विद अ वेरी हाई एक्यूरेसी, और अगर मैं यूएक एग्जाम की बात करूं तो अगेन 100 प्लस क्वेश्चन बट विद अ वेरी हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को आप कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्यूरेसी कंप्रोमाइज करते ही आप लोगों को काफी इश्यू आना शुरू हो जाएगा। एंड दोस्तों एक और बहुत बड़ी बात कि अगर आप लोगों ने अभी तक PYQs एनालाइज नहीं किए तो वी आर प्रोवाइडिंग यू दी ऑल पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ एपीएफसी एंड ईयू एग्जामिनेशन, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर 2002 2004 2012 और 2015 के एपीएफसी पेपर हैं और 2017 और 2021 के ईयू पेपर हैं। आपको PYQs पक्का देखने, क्योंकि PYQs देख के मॉक टेस्ट लगा के ही आप पेपर का लेवल जो है जज कर पाएंगे और पेपर के लेवल के हिसाब से ही आप अपने आप को कछुए की तरह शेल में रख पाएंगे या फिर एक्सपेंड कर पाएंगे। मतलब अगर पेपर इजी लगा फेलो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाओ, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट उतने नहीं बढ़ाने की भाई जितना आपका प्रिपरेशन लेवल ही नहीं है, ब्लाइंड गेस नहीं मारना है। सिमिलरली अगर पेपर टफ है तो वापस शेल में आ जाओ, ठीक है, एक्यूरेसी पे खेलो। तो ये चीजें आप लोगों को मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज के अटेम्प्ट के बाद ही पता लगती हैं। तो प्लीज डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एट दिस टाइम, क्योंकि वही प्रैक्टिस आपको हेल्प करने वाली है अल्टीमेटली इन द एग्जामिनेशन। एंड दोस्तों आपकी इस प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए हमने भी एक अल्टीमेट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, आप लोग अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और यहां पर हम आपको 80% फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज पे।
जहां पर मोर देन 8000 प्लस एमसीक्यूज हैं। दोस्तों सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज कंपोनेंट वाइज टेस्ट हैं, देन फुल लेंथ टेस्ट हैं, 5 APFC के, 5 EO के, और क्वालिटी टेस्ट हैं जिनको प्रैक्टिस करके आप नो डाउट अपने लेवल में एक अनाउंसमेंट देखोगे। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज, और एक स्पेशल डिस्काउंट आप लोगों के पास है। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी तरह का रिगार्डिंग दी प्रिपरेशन, रिगार्डिंग दी स्ट्रेटेजी, रिगार्डिंग दी एग्जाम, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, प्लीज एक बार कमेंट करिएगा। एंड दोस्तों एट दिस मोमेंट आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू to write a comment in the comment section कि इस बार APFC पार या इस बार EOA पार, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं इस बार आपको उसको पार करना है। ये मोटो आप लोगों को इस कमेंट सेक्शन में लिखना ही लिखना है, अगर आप लोग सीरियस हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मोटो क्या है, इस बार APFC पार या इस बार EOA पार, जो भी आपका अल्टीमेट टारगेट है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू वेरी मच।